सीरियल प्यार के पापड़ में आज फाइनली त्रिलोकी जी ने ओमकार के घर में वास्तु के लिए हवन रख लिया है। पहले तो हवन करने का त्रिलोकी जी ने सुझाव दिया और पंडित होने के नाते त्रिलोकी जी खुद ही हवन कर रहे हैं। नहीं नहीं मान जी, आप जैसो जैसो कहोगे हम तो वैसे वैसे कर देंगे। आप बस बताओ कि करनो का है। ठीक है, इसको हमने सारी रात जाग करके बनाया है। आप जो जिस हिस्से में रहता है इसमें आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, उसी के अनुसार हम पूजा करवाएंगे। अब त्रिलोकी जी बिना किसी स्वार्थ के कोई काम कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तभी तो देखिए ना, त्रिलोकी जी हवन तो कर रहे हैं लेकिन अपने अलग अंदाज में। यार हवन हो रही है वास्तु के लिए, मेरे घर में कुछ वास्तु में कोई प्रॉब्लम है ऐसा त्रिलोकीनाथ जी ने कहा है और बताया है, और उन्होंने एक सुझाव ये दिया है, सोल्यूशन ये दिया है कि भाई आप आइए हवन करते हैं घर पे, और उसके हिसाब से फिर ये दोष हटेगा ताकि मेरी जो बेटी है शिविका जब इस घर में बिहा के आए तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सभी सुखी से रहें, तो ऐसा है ये और इसलिए हवन कर रहे हैं हम। हाँ जी, अब वही है ना, इसमें ही ट्विस्ट है। प्रॉब्लम ये है कि वो किस तरीके से हवन करा रहे हैं, उनका क्या बैक ऑफ द माइंड, क्या थॉट है क्या कराने का, और उसमें ना दो तीन चीज़ें ऐड ऑन है कि हवन में आप ऐसा कीजिए वो कीजिए, अपने हिस्से में आप नाम लिखवाइए, तो वो जो तरीका है ना, वो जो हवन कराने का जो तरीका है, तो वो थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पर क्या है ना, भाइयों के बीच में बहुत प्यार है तो सब कुछ सॉर्टेड है। दरअसल त्रिलोकी जी ने घर वालों के सामने एक शर्त रखी है, वो ये है कि घर में जिसका जितना हिस्सा है उस हिसाब से हर व्यक्ति हवन में आहूति देगा। अब त्रिलोकी जी के इस सुझाव के पीछे भी छिपा है उनका खास मकसद। शर्त ये थी कि मुझे हवन के बीच में कोई नहीं टोकेगा, जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा आप करेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने कहा कि आप लोगों के जो जो जहाँ जहाँ रूम है पूरे घर में, उन उन हिस्सों को आप अपने नाम से लिख दीजिए, यानी इनडायरेक्टली वो बंटवारे की बात कर रहे थे, जो कि हम होने नहीं देते। हम उन्हें कहते हैं कि भैया देखो, ग्रह की बात होगी कहीं और, ये जो चीज़ है भाइयों का प्यार इतना है कि हमारे भाइयों के प्यार जो है, जो प्यार है हमारा, वो ग्रहों पे भारी पड़ जाएगा। लेकिन ओमकार भी किसी से कम नहीं है। अपने भाई के साथ ओमकार ने हवन में एक साथ आहूति दी है और ये देखकर आग से ज्यादा त्रिलोकी जी भड़क उठे, क्योंकि हवन कराने के पीछे त्रिलोकी जी का जो मकसद था वो धरा का धरा रह गया। नहीं नहीं, जवाब तो भाई हमने दिया है कि सर देखिए, आप कीजिए अपना हवन, हम भी करते हैं जैसा जैसा आप कहेंगे, पर जो आपकी कुछ शर्त है ना, उसे आप समझ जाइए कि हमें पता है कि आप किस राह पे चल रहे हैं, सो जस्ट बीवेयर, है ना, क्योंकि हमें पता चल गया है कि आप क्या चाहते हैं हमसे। तो मैं बहुत एक अच्छा सा कुआ की सा लुक देता हूँ उन्हें कि भाई देखिए, आपको जो कराना है कराइए, पर लास्ट में पता है कि हम क्या करेंगे, और वो डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ मैं उन्हें कि ग्रहों का दोष होगा घर पे, यहाँ पे भाइयों का प्यार चलता है। बट यही मेरा कैरेक्टर है, मैं इस हिसाब से वो बात अपनी रखता हूँ सामने कि वो काट नहीं सकते मुझे, है ना, तो वो अगर कोई किसी भी तर्क कुछ करते हैं तो मैं उसका वितर्क कैसे करता हूँ, वही मेरा पावर है। So that is how I deal with him. और फिर बाकी तो मेरा परिवार है जो मेरे साथ खड़ा होता है हमेशा। Well, अब देखना ये होगा कि त्रिलोकी जी अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कौन सा अगला कदम उठाएंगे। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।